बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। जय मार राव, जय मार राव, जय मार राव, जय मार राव। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, प्लीज वेलकम करण के अर्जुन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, द सुपरस्टार शाहरुख खान बादशाह। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो मेरे दोस्त, मेरे भाई सलमान का, आप सबके भाई भी, उन सबका जो उनको इतना प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। और हमने कहा था कि आपका स्वागत हम स्वैग से करेंगे, लेकिन हाँ, ठेले पे करना पड़ा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए, लेकिन इससे अच्छा धक्का मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। सो थैंक यू। और थैंक यू। सर आपका, पहले तो सर दम में आपका स्वागत है। हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप इसको कौन बनेगा करोड़पति समझ के हमारे सलमान, आपने बोला था हम 10 कदम पे आ रहे हैं, ये दूसरा शो पे आ गया मैं। नहीं, सलमान साहब और शाहरुख साहब, जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ। आप तो पहले से मौजूद थे यहाँ पर। जी मैं हूँ ड्यूप्लीकेट अमिताभ बच्चन। एक्चुअली क्या है, जो असली अमिताभ बच्चन साहब हैं वो बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्तताएं बढ़ रही हैं उनकी, तो जो भी दूसरे काम होते हैं उसके लिए मुझे भेज देते हैं वहां पे। अब जैसे आधार कार्ड की फोटो खिंचवाने के लिए मुझे भेज दिया। उनको पता था भाई, खुद भी गए तो फोटो डुप्लीकेट जैसे ही आएगी। बहुत खुशी हुई होगी आप लोगों को मुझे देख करके। जी जी, बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं फिर भी यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैं डुप्लीकेट हूँ। और देवी और सज्जनों, जैसे ये दिल में आते हैं समझ में नहीं, उसी तरह से मैं फिलहाल में आता हूँ एपिसोड में नहीं। आइए शुरू करते हैं 10 कदम में, कौन बनेगा करोड़पति। यही तो प्रॉब्लम है सलमान साहब, आपके शो में खड़ा होना पड़ता है। जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर शो में बैठ गए तो शो बैठ जाता है। भाई ये देवी और सज्जनों, चूंकि ये गेम का रूल है कि हम बैठ के ही इस गेम को खेलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्लोर टीम से, प्लीज मेरे लिए एक टेबल चेयर कुछ बैठने की व्यवस्था की जाए। ए ए ए खोपड़ी के, ए ए इधर आइए, ये जो इधर आइए, ये जो आपके चचा हैं यहाँ बैठ के खिलाएंगे क्या ऐसे? ऐसे ऐसे देख के खिलाएंगे क्या हम?
ऐसा ऐसा करके खिलाएंगे। थोड़ा बड़ा लेके आइए, बाथरूम का ले आए हो। क्षमा चाहते हैं क्योंकि बैठने का यहाँ कोई है नहीं रूल, तो इसलिए उससे कुछ गलत नहाने का था, तो थोड़ी बड़ी चेयर ले आइए प्लीज जी। वो नहाने का था जी जी, जी। ये जो तुम्हारे ताऊजी हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे जाके खेलेंगे क्या? ऊपर जाके यहां से ऐसे ऑप्शन देंगे क्या? किसी सीनियर आदमी को बुलाइए। चलिए सलमान साहब, आप इन्हें कहिए कि तीन चेयर को जो है ढंग की सबके लिए मंगवा दें। एक जरा ढंग की कुर्सी ले फास्ट ले आओ, ले आओ, लेकिन इसको ले भी जाओ मामा जी। जोरदार तालियां। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल। K-B-C! तो सबसे पहले मैं गेम के रूल्स आपको समझ जी। सॉरी, आपकी घड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे। ओ, वॉल क्लॉक पहन के आ गया, सॉरी। एकदम वॉल क्लॉक पहन के आ गया कल, बट ओरिजिनल वॉल क्लॉक है एकदम। धन्यवाद, अच्छी लग रही है। समय अच्छा होना चाहिए शाहरुख साहब। घड़ी तो घड़ी दो, घड़ी तो चलते। तो सबसे पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं आएगा क्योंकि वो कंप्यूटर में है ही नहीं। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट कहां है? क्या है? अपना मोबाइल थोड़ा चार्जिंग पे लगाना है क्योंकि जो जीतने की रकम है अकाउंट में ट्रांसफर तभी होगी जब इसके ऊपर OTP आएगा। तो है यहाँ पे कहीं तो छेड़ा छेड़ा एक सेकेंड। आप लोग तैयार? जी जी बिल्कुल तैयार। कितनी धनराशि जीतने की संभावना है आप लोगों को यहाँ से आज? आपसे तो सब लूट के ले जाएंगे। कोशिश तो जरूर करेंगे, कम से कम 7 करोड़। आप चाहें तो आज अरबपति भी बन सकते हैं। ऑलरेडी आप हैं अरबपति, मतलब एक बार फिर से अरबपति बन सकते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, कंप्यूटर सिर्फ मेरी स्क्रीन पर, बैटरी 4000 mAh, रैम 3GB, मेड इन चाइना, 3 ईयर वारंटी, ISI 000180। ओह, आई एम सॉरी, ये मैं कंप्यूटर की बैक साइड पड़ गया। बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप लोगों से, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारी। क्योंकि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। गुपचुप गुपचुप। लो फ्लो में निकल गया। तो सबसे पहला सवाल, हैरान मत होइए, सबसे पहले तीसरा सवाल ये रहा, हैरान मत होइए, ये कंप्यूटर का पासवर्ड है, सबसे पहले तीसरा सवाल अब ओपन होगा। ले नहीं रहा।
लगता है ये फेस रिकग्निशन वाला कंप्यूटर है आपका। लगता है मालिक के फेस से खुलेगा। यस एक सेकेंड। खुलिए कंप्यूटर खुलिए। गेम अब शुरू कर सकेंगे हम सलमान साहब और शाहरुख खान साहब के साथ। तो ये सवाल है, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, ये सलमान साहब के ऊपर सवाल है लेकिन जवाब शाहरुख साहब देंगे इसका। तो ये रहा सवाल मेरे मुंह पर। सलमान खान हर फिल्म में शर्ट क्यों उतारते हैं? कल्याण कितनी खुश हो रही है देखिए। शर्ट उतारने की बात पर इतना प्रसन्न हो रही है सब लड़कियां, मैं उतारते होंगे तो बड़ा मजा आता होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए, शर्ट उतारते हैं ताकि फिल्म ना उतरे, बी, शर्ट मैली ना हो जाए इसलिए उतारना पड़ता है, सी, टाइगर कभी शर्ट नहीं पहनता, या डी, सलमान खान शर्ट नहीं उतारेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उतारेंगे क्या? बहुत दुविधा में शाहरुख साहब। सर मैं माफी चाहूंगा, मुझे लगता है कि आपके ऑप्शंस में शायद इसका आंसर नहीं। ये सवाल थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बहुत सालों से लोग पूछे जा रहे हैं कि सलमान भाई शर्ट क्यों उतारते हैं, बहुत क्यों सालों से उतारे भी जा रहे हैं ना? उतारे भी जा रहे हैं लेकिन शायद अपने हाल में नहीं देखा कि पैंट भी उतार चुके हैं फिल्म। सर बात लंगोट तक पहुंच चुकी है अब। मेरा मतलब है कि मेरे लंगोटिया यार हैं जी, तो ये जो उतारना चाहें उतार सकते हैं। मेरी क्या हिम्मत कि मैं इनको बोलूं क्या उतारो और क्या पहनो। सुल्तान फिल्म में लंगोट में बड़ा खूबसूरत दिखाई दिया जी, कहना पड़ेगा। शुक्रिया। चलिए अब आप जीत चुके हैं इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये टुच्चा सवाल था, इसके जवाब उससे भी टुच्चे थे लेकिन आपने सही जवाब दिया है। आपको मिलते हैं ये 18 रुपए। आप चाहे तो गिन सकते हैं 18 रुपए, और ये इनाम की रकम नहीं है, ये GST है, इसे आप टाइम से जमा करवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो GST अर्न कर लिया है शाहरुख साहब ने। चलिए अब दूसरा सवाल। ये सवाल दोनों के लिए, लेकिन शाहरुख साहब उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा। शाहरुख खान साहब के लिए सवाल, मान लीजिए सलमान जी की शादी है, उसमें शाहरुख खान क्या कर रहे होंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके पात्र वास्तविक है लेकिन कल्पना से भरा हुआ है ये सवाल। सलमान साहब की शादी चल रही है और शाहरुख खान उसके अंदर क्या कर रहे होंगे? आपके ऑप्शन हैं, फूड स्टॉल के पास खड़े होकर कह रहे होंगे शाहरुख साहब के बड़ी बड़ी शादियों में छोटे छोटे रसगुल्ले, सलमान साहब की शादी चल रही है, और बी ऑप्शन है कि बारातियों के साथ नागिन डांस कर रहे होंगे भोजपुरी गाने पर। परम मित्र की शादी है तो ऐसा चलता है, और सी, रोती लड़कियों को चुप करा रहे होंगे और कह रहे होंगे चुप। यदि शगुन के लिफाफे चेक कर रहे होंगे कि मैंने इतना दिया तो आमिर अक्षय ने कितना दिया? सर आपका जो ऑप्शन है थर्ड वाला, कि बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बहुत परेशान होंगी, उनके दिल टूटेंगे, दिल टूटेंगे, नकार दी गई होंगी, तो मैंने सलमान से दोस्ती कर ही उस दिन के लिए कि जो जो इसकी बच जाएंगी मैं उनका ध्यान रख लूंगा।
सर असली असली दोस्त कब काम आए? बहुत ही खूबसूरत जवाब, बहुत जल्दी आपने बहुत ही उत्तम जवाब दिया है शाहरुख साहब, और इसके लिए मिलता है आपको जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 1 अरब। ये अरब हैं, हमारे मित्र हैं, और आपके लिए खजूर लाए हैं सर। ये थैंक यू, भूमिका कीजिए। शुक्रिया, बहुत ही सही जवाब आपको। थैंक यू। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आप खजूर लेके आए, आप हमारे अरब मित्र हैं, अरब कंट्री से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। वो असली वालों के यहाँ तो बहुत होते हैं, हमें नहीं मिलते हैं तो थोड़ा सा। चलिए अब बढ़ते हैं बहुत ही उम्दा प्रश्न की तरफ। ये हमारे पास पत्ते हैं, मैं कुछ पत्ते बांटूंगा और आपको क्या है, अब ये देखिए पत्ते बांटूंगा मैं। तीनों के पत्ते पीस रहा हूँ, पत्ते पीसने में बहुत बहुत ही आनंद पत्ते पीसने में। पत्ते फेंकने में एक अपना ही एक अनुभव था। ये शाहरुख साहब का पत्ता। ओ बादशाह, सलमान साहब का पत्ता 1 का, और ये मेरा पत्ता जोकर। ये किस तरह के पत्ते हैं भाई? 1 का, बादशाह, जोकर, क्वीन तो आई नहीं, रानी तो है ही नहीं इसमें। रानी कहाँ है भाई, रानी कहाँ है? रानी जी का स्वागत किया जाए। मिल ही गया। रानी जी का बहुत बहुत स्वागत। अमित जी एक डांस हो जाता है। जी जी जी। क्या बताऊं यार, मैं तो खिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास 3 ही चेयर का जुगाड़ था, तो आप इधर आ जाइए। जोरदार तालियां रानी जी के लिए। आइए शाहरुख साहब। रानी जी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गया, मैं डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, आपका बहुत बहुत विराज मान लो। तो चलिए रानी जी ने अमित जी के साथ ब्लैक में काम किया था, फिर अमित जी ने पिंक में काम किया था, अब कौन से कलर में अगली फिल्म आ रही है? रानी जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता था, आप रानी मुखर्जी हैं, और अगर आप किसी बात से मुकर जाएं तो आप रानी मुखर्जी हो जाएंगे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उम्दा। रानी जी आप आए हैं तो
बहुत पेट में दर्द हो रहा है। हाँ तो हींग खा लीजिए। नहीं नहीं यार, आप जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा कुछ। आप सिर्फ एक्सप्रेशन से काम चला। कृपया मुझे इजाजत दे, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। ठीक है बोल दीजिए। नहीं तो कार्यक्रम आगे भी बढ़ पाएगा, अभी तो 10 का दम सारा बाकी है। तो रानी जी, अगला सवाल आपसे। जी। शाहरुख साहब और सलमान साहब 1 अरब जीत चुके हैं, जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। अगला सवाल आपसे। सर की जो सर से वो धीरे धीरे, तो वो धीरे धीरे क्यों सरक रही है? वो फास्ट फास्ट भी सरक सकती थी, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों? क्योंकि ये 10 कदम नहीं है तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं। मैं आपको ऑप्शन देना चाहूंगा। 4G की स्पीड नहीं थी इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। बी, क्योंकि चुनरी का फेवरेट गाना था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। वैसे वो चुनरी नहीं, सरकारी फाइल है इसलिए वो धीरे धीरे सक रही है। रंग भी चलता रहना चाहिए, देखिए मीनिंगफुल बातें भी चलती रहनी चाहिए। और डी, क्योंकि चुनरी एजुकेटेड है, उसको पता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप सच में जवाब चाहते हैं इसका? चाहते तो हैं। अगर मिल जाए छोटा सा कोई मोटा सा। नहीं, ये वाहियात सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकती। इसका फ्लाइंग किससे भी जवाब दे सकती हैं। अगर आप चाहें तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार के हकदार हुए डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलती है ये सीडी। स्मार्ट तो आप हैं ही तो स्मार्ट सिटी। अगला सवाल आप तीनों से जो भी जवाब देना चाहे जल्दी से दे दें। हर 3 सवाल बाद ये बजाते हैं। Oh my God. अगला सवाल करण अर्जुन के बारे में है। बहुत ही प्रख्यात फिल्म है, बहुत लोगों ने देखी है, बहुत पसंद किया है आपको करण अर्जुन के पात्रों में, अभी भी याद करते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे करण अर्जुन आएंगे फिल्म में, राखी जी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे? मेरे करण अर्जुन आएंगे बार बार कहती रहती, क्यों था उन्हें ये इतना अत्यधिक कॉन्फिडेंस? आपके ऑप्शंस हैं, ए, जाते टाइम उन्होंने रिटर्न टिकट करा के दिया था। इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मेरे बच्चे आएंगे। बी, फिल्म का नाम करण अर्जुन था इसलिए करण अर्जुन ही वापस आएंगे, बबलू और गुड्डू तो आएंगे नहीं। सी, वो कौन सा लोन लेकर गए थे जो वापस नहीं आएंगे? या फिर डी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी।
so good. It's outstanding. बहुत धन्यवाद आपका सलमान साहब, बहुत दिन के बाद इतने हंसे हैं, बहुत दिन के बाद इतनी खूबसूरती देखी है मैंने, आई थी क्योंकि मैं याद करता रहता हूँ आपको, धन्यवाद सर साहब, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। और ये जो कचर पट्टी है प्लीज आप ले आए वहाँ पे थोड़ी सी, और जो सबसे उमदा चीज है वो मैं लेके जा रहा हूँ, थैंक यू सलमान साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं तो कहती हूँ सलमान, शादी वादी छोड़ो, बच्चे पैदा कर लो। बच्चे बच्चे प्लीज। ये क्या बोली तू, फिर से बोल। मैंने बोला शादी वादी छोड़, छोड़ दिया, बच्चे पैदा कर, कर दिया। रेडी डन, तो मैं लाइट्स ऑफ ऑफ कर दूं तुम लोग को अगर। नहीं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हाँ। मेरी दिली तमन्ना है और मुझे मालूम है कि मुझे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, बिकॉज सभी तुमसे पूछते हैं यार, ये जो प्रेस वाले हैं, बाहर के लोग हैं। आई थिंक आपको ही हक है पूछने का, मैं यार क्योंकि आप सलमान के सबसे पुराने दोस्त हैं। 100% मैं हुँ? और मैं चाहता था कि शादी करे, मैं चाहता हूँ ये शादी करे। हाँ, चाहते भी थे। हाँ, मैं चाहता एक बार लेके भी गए थे। बट मैं बताऊँ क्या, इसकी ना इसका जो बिहेवियर है ना वो ठीक नहीं। एक्चुअली हम वो बोल सकते कहाँ लेके गए थे? नहीं मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इसका जो बिहेवियर है ना मैंने बहुत क्लोजली स्टडी किया है, तो जितने भी लोग हैं। अच्छा इधर चिपकम चिपकी कम करो ना यार, तुम लोग में बात सीरियस बात करो यार। कोई बिहेवियर चल रहा है तुम लोग का, रुक नहीं रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका जो बिहेवियर है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे मैं आपका एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई लड़की से मिले, प्यार से बात करे, मैं तो रोमांटिक हीरो, मैं तो इन बातों के एक्सपर्ट, अच्छी तरह से तो बात करता हूँ मैं सबसे। क्या बात करता मैं इसको बताता हूँ, मेरे पास सामने मैं तुम्हें क्या, आप सामने मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नाम की तो एक चीज ही नहीं है मेरे में। जो आदमी कैरेक्टर फिल्म में प्ले करता है ना उसका रियल कैरेक्टर उससे मालूम पड़ता है। हाँ, अभी इसका डायलॉग देखो, लड़की आई प्यार से इसके सामने खड़ी हुई, हाय 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 कुछ किया ऐसा, और ये सामने बोलने लगता है दाम दे रहा हूँ, दान नहीं प्यार से ले लो वरना, प्यार से ले रहे हैं वरना, हाँ प्यार से ले रहे हैं रख लो वरना। चलो बात होती है ऐसे बात करता कोई लड़की से, ऐसे क्या नहीं, प्लीज दिल से आना चाहिए भाई, ये पैंट से थोड़ा आना चाहिए कि प्यार से ले रहे रख लो वरना वरना क्या मतलब, वरना क्या मतलब होता है, थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं कर रहे हो, लड़की कैसे बात करेगी वहां पे, डायलॉग कैसा होना चाहिए कि हम एक बार जीते हैं, कैसे एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है और प्यार भी एक बार। कुछ सीख, अगर वो सो गई इतने में तो फिर से तो फिर वापस वहीं पे आ जाना, वरना थप्पड़ मार के जगा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है गलत बात है लड़कियों से बिल्कुल नहीं, तो तमीज से, और थोड़ा सा ना इसको तुम ना डांस वांस सिखाओ कि कैसे रोमांटिकली करते हैं, तो कुछ इसको सिखा दे, कुछ बता दे। मैं इसका एक और डायलॉग बताता हूँ कि मैं एक्चुअली सीरियसली ये सब बातें कह रहा हूँ, मजाक ऐसा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये सीरियसली हमारे एक और गेस्ट। No, don't give. No, I'm just taking him out of frame. उसको. Frame से दूर निकाल दो. No, बेटा, रानी मुखर्जी kill you. No. अब मैं अब लड़की के साथ कोई ऐसी हरकतें करेगा तो कौन लड़की इसके? Hi, darling. मच्छर मारते हैं, रुको. अरे मच्छर की जान बचाइए यार. अच्छा तुम इसको थोड़ा सा कुछ डांस वांस सिखाओ कि रोमांटिकली कैसे, कोई गाना बज सकता है यहाँ पे यार। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या
सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। नहीं 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 लेके नहीं जाना, लेके नहीं जाना है। क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, बस इतना ही करना है रोमांस में। वापिस से बजाओ। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। मैं दूसरा सवाल सबसे, जितनी लड़कियां सब जानती हैं सलमान को प्यार करती हैं, अब तुम मुझे बता रहा है, तुम दोस्त हो, तुम्हारे सामने कोई लड़का आए, टी शर्ट पहन के आए, शर्ट पहन के आए, बातचीत करे, प्यार से करे, कोई जो है टॉवल लेके आ जाए, मतलब भाई इससे रोमांस कैसे होगा? भाई मैं आप जेन्युइनली ऐसे बात सोच के तो कहते मैं तुम्हें प्यार कर। एक्चुअली नॉर्मली लड़की को कहना चाहिए कि नहा के आओ, टॉवल देख के ना। हाँ, लेकिन सलमान के बाद बहुत लड़कों ने ऐसा रोमांस करना शुरू कर दिया था। बट फिर भी देखो ना, अब देखो तुझे देखा तो ये ऐसे मत करो, मेरे पति के बारे में सोचो जिसने ये गाना बनाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, नहीं प्यार होता है दीवाना से, अब यहाँ से कहाँ जाऊँ। इसको बजाना चाहिए कोई टावल के साथ ही, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। अच्छा, कौन सा? क्या बोला? तेरा भी सेम है। ऐसा कोई खूबसूरत सा गीत, इसको हाथ में पकड़ के तुम कहो लड़की को तो अच्छा लगेगा। कौन सा? आ गया, और तुझे रानी के साथ ये रिहर्सल करनी है। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे चेहरे के सिवा मुझे कोई और चेहरा दिखाई नहीं देता। सुन रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के सिवा मुझे कोई और नाम याद नहीं रहता, तो क्या हुआ अगर ये आवारा तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है, तो क्या हुआ प्यार सब कुछ हो गया। सबसे अच्छी बात है कि माय हस्बैंड इज रिटन दीज लाइंस ना। ओए उसी उसी के कौन सा नाम है, कौन बोला तू? ट्राई कर ये सब लाइंस। क्या ऐसा मैंडोलिन पकड़ के? हां क्या डालो? तो क्या हुआ नहीं होगा तेरा, तेरा कुछ नहीं होगा सलमान, ऐसे मैं बता रहा हूं मैं तेरे को। गाना लगा दो इसके लिए प्लीज, गाना लगा दो रानी कुछ कर। देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो मैं अपने साथ रोमांस कर रहा हूँ यार, इसमें भी पाबंदी है। एक आदमी खुद के साथ नहीं रोमांस कर सकता है। जब एक आदमी खुद के साथ रोमांस करेगा तभी किसी के साथ रोमांस कर पाएगा। क्या बात है। अच्छा मैं एक चीज, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ यहाँ कि मैंने आप दोनों के साथ ही रोमांस किया है जी। आपका अंदाज प्यार करने का बहुत अलग और खूबसूरत है, आपका भी बड़ा अनोखा है। अनोखा है और इस वजह से पूरा हिंदुस्तान आप दोनों को प्यार करता है। ऐसी कोई लड़की शायद हिंदुस्तान में होगी जो आप दोनों को प्यार नहीं करती हो, इंक्लूडिंग मी। सो जस्ट वॉन्ट टू से फ्रॉम बिहाफ ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, love you, love you, love you. Thank you. And thank you for making such wonderful films. Thank you. And teaching us how to love, especially your towel style. Thank you. मैं actually आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, एक गाना बजाऊंगा सलमान का रोमांटिक गाना कैसा होता है वो रानी के साथ। प्लीज कैन वी हैव इट, जो मैंने इतना सिखाया वो सब धरा का धरा रह जाएगा जब आप ये गाना सुनेंगे। प्लीज ये सलमान का गाना सुनाइए आप। चांदी की डाल पर सोने का मोर है।
सोने का मोरिया बारे में बात है कर नीचे का जोड़ा चांदी की डाल पर सोने का मोर सोने का मोर कर नीचे का जोड़ा रोमांस करो ना सखा रहा है मैं सही बात बोलता हूँ. फाइनली मैंने ये सीख लिया है कि जब 100 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस और इंटरनेशनल लोग अगर सलमान को जो भी अदा है उसकी प्यार करते हैं तो मैं इसको लव करना क्या सिखाऊं यार. जो तू करता है बिल्कुल ठीक करता है, यही करता है तुम्हें सुनने के बाद. आइए आपसे आपका अगला प्रश्न पूछते हैं. प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों के पास एक ऐसा दोस्त है जो हर सुख दुख में उनके साथ रहता है. What percent of Indians have at least one friend who sticks by them through thick and thin? आपके पास ऐसा कोई दोस्त है? जी मैं समझती हूँ कि मेरे जो पति है आदि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. शादी से पहले भी थे. I used to always think कि जब शादी होगी तो जो मेरे हस्बैंड होंगे वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए. प्यार भी होना चाहिए उतना ही. और आदि हर महीनों में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. बहुत करेक्ट आदमी है. वेरी नाइस, वेरी गुड. आदि ने आपको पूरा किया है. आई थिंक ही इज द हैप्पीएस्ट मैन एंड यू आर द लकीएस्ट गर्ल टू बी मैरिड टू आदि. थैंक यू सो मच. आपका है कोई थिक एंड थिन में? सलमान यार मैं अगर कभी ट्रबल में हूँ, एक्चुअली मुझसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली ट्रबल में हो तो तुम हो. करेक्ट, वो तो है. लेकिन क्योंकि रानी ये बात बोल रही है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि दोस्त की परिभाषा क्या होती है. तो मुझे लगता है कि जब एक और दोस्त हो, जैसे मैं हूँ अगर, तो मैं जो गलती करूँ, जितना बिगड़ा हूँ, जितनी खराब चीजें करूँ, तो उसको कोई संभाल सके तो मुझे लगता है गौरी ने बहुत संभाला यार. मैंने बहुत गलतियाँ की, बहुत बदतमीजियाँ की हैं, बहुत घटियापन किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसने चुप रहकर मुझको बहुत संभाला है. आपने ऐसा कुछ किया है? वो याद है रात जब हम दोनों अच्छा छोड़ अभी हम बात नहीं करते उसकी. That was not घटिया. That was not घटिया. That was very घटिया. No, but I don't think he's done anything. No. वो है ही नहीं. My eyes, Shahrukh is always. No, वो है ही नहीं. अनुमान लगाइए आप. तो रानी ने लगाया 85% पर और शाहरुख ने लगाया 86% पर. कमाल है, सिर्फ 1% का फर्क है. आए देखें कि ये 1% का फर्क किसको जिताता है, शाहरुख को या रानी को. बट हम दोनों एक्चुअली सेम सोचते हैं. हम दोनों ये उम्र में उम्र में थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा सा कम है अदरवाइज तो. This is the most disgusting thing I have seen so far. 64% Indians के पास एक दोस्त है जो के उसके साथ खड़े रहते हैं. में खड़ा रहता है. It should be 100%. लेकिन इमोशन से निकल के एक बात कहूं, आई वन. अच्छा सुनिए ना, जब सबको पता चला कि मैं इस शो पे आ रही हूँ आपके और शाहरुख के साथ, तो सबने मुझे ये बोला कि आप प्लीज उनको मंच में पूछना कि करण अर्जुन पार्ट 2 कब आ रहा है.
देखो कर्ण अर्जुन में ही पार्ट टू था, था पार्ट टू था ना, पहला था, पहला उसके बाद दूसरा पाया, तो लोग इस बात को समझ नहीं रहे। तो सबको आंसर आई थिंक मिल चुकी है, लेकिन हमें कुछ तो मतलब जो आपके करण अर्जुन के जो फैंस हैं उनके लिए आई थिंक आपको कुछ करना चाहिए। आई थिंक हमें एक सीन प्ले करना चाहिए। वो हैं इस दुनिया में अभी वो नहीं भी होंगे तो वापस आ जाएंगे। आई थिंक हमें एक सीन प्ले करना चाहिए। सीन, एक सीन करण अर्जुन से आपके इतने सारे फैंस के लिए एक सीन इनैक्ट करिए प्लीज। प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। भाग अर्जुन भाग। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। पूरा सिंगर है, ट्रूली अ सिंगर, क्योंकि रेडी। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाए। ये बंधन तो हम बैंड शुरू कर सकते हैं। मेरे कलन अर्जुन आ गए हैं। देखो ऐसी 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 माए तो गले नहीं लगेंगे हम तो। क्या कराना चाह रही है हमसे? अच्छा तुम भाई एक सीन, ओरिजिनल डायलॉग्स कुछ और है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दोनों उस सेम सीन में अपने नए अंदाज में कुछ डायलॉग बाजी करें। ओके, पहले हमको करण अर्जुन धुंधला धुंधला याद है। मतलब पिछले जन्म में लग रही है करण अर्जुन अब हमको। जी हाँ, पहले हम लोग सीन प्ले करें प्लीज। अरे बाप रे, मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें, बेकार की बातें। ये सब गांव वाले तुझे देखकर करण करण कह रहे हैं, ये बेकार की बात है। एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है। So sweet. मेरे होंठ कितने मोटे हैं। बट बोथ हैव यू ऑल पुट लिपस्टिक ना? नहीं। देखो पिंक पिंक है, इसका पता नहीं, लेकिन मैंने देखो हम आंखों में देखते हैं, फोटो में नहीं देखते हैं। अच्छा ये सीन तो बड़ा मजा आएगा करने में। तो चलो शाहरुख, मैं साथ में खड़ा होता हूँ। हाँ। अभी कहाँ चलेगा ये? कैन आई से कैमरा एक्शन कुछ तो मैं आदि की बीवी होने का फायदा उठाऊं। लाइट्स ऑलरेडी है, कैमरा ऑलरेडी ऑन है, रोल हो रहा है कैमरा, एंड सीन तो आओ। पहले तेरा आएगा? हाँ शायद। अरे सीन तो आ जाओ, मेरा क्लैप वेट कर रहा है। क्लैप करेगी तो आएगा। एक्शन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो दोबारा भी जन्म नहीं लेता। कौन कमबख्त को शौक है दोबारा जन्म लेने का? हमने तो जन्म लिया है ताकि तुम्हें फिर से देख सके, तुमको एक बार फिर से बर्दाश्त कर सके। योर पुनर्जन्म इज योर पुनर्जन्म, नॉन ऑफ माई पुनर्जन्म। जन्म लेने के लिए मरना पड़ता है, और मर के जन्म लेने वाले को अबे करण अर्जुन कहते हैं। वाह, ये जो नया कमाल वो हंसी आती है तेरे वाले। माय पुनर्जन्म इज माय पुनर्जन्म, उसमें टेक। नहीं नहीं, एक्शन एक्शन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। रुको, टेक नहीं। आई थिंक डायरेक्शन आदि पे छोड़ देते हैं। ओके, एक्शन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद दोबारा मैं जन्म नहीं लेता।
दोबारा जन्म लेने का, हमने तो जन्म लिया है ताकि तुम्हें फिर से देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, मैं फिर से बोलूंगा, समझा? योर पुनर्जन्म इज योर पुनर्जन्म, नन ऑफ माई पुनर्जन्म. ये, मैं बता रहा हूँ, ये डायलॉग अनफेयर है यार, ऐसा कौन बोलता है योर पुनर्जन्म इज योर पुनर्जन्म माय पुनर्जन्म. ये नहीं हो सकता, ये अनफेयर है, मैं अपना डायलॉग इसके बाद नहीं बोल सकता हूँ. तो जितना हुआ उतने में कर लो यार. मैं काफी खुश हूँ कि करण अर्जुन पार्ट टू नहीं होने वाली है. थैंक यू. अगर ऐसा परफॉर्म करेंगे तो कैसा. आइए आपसे आपका अगला प्रश्न पूछते हैं. प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को अंडरवेयर पहनकर नहाने की आदत है? व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन मैन हैव एन हैबिट ऑफ टेकिंग अ बाथ वेयरिंग देयर अंडरवेयर? इस स्विमिंग पूल में सब लोग जाते हैं, वो स्विमिंग करते हैं, बट वहाँ नहाते भी तो है. फिर स्विमिंग पूल में नहाते हैं? हाँ, फिर लेक के किनारे स्विमिंग पूल में सुसु करते हैं, वो सुना है. फिर लेक के किनारे, हाँ, नदी किनारे, बोरवेल के पास जी. अब वो ऑप्शन नहीं ना आउटडोर में ना, तो वहाँ पे नहीं. मैं एक सवाल रानी से पूछना चाहता हूँ. तो जब भी तुम ऐसे इलाकों में जाती हो, तुम यही देखती रहती हो? मैंने तो इतना गौर से ये ही नहीं देखती रहती. लेक के किनारे भाई, मैं लेक के किनारे जाता हूँ तो मैं लेक देखता हूँ. रानी देखती है कि कच्छों में नहा कौन रहा. एक्चुअली एक बार शाहरुख, मैंने आपको भी देखा था शूटिंग के वक्त. ये सब पर्सनल नहीं हो रहे हैं शो के अंदर, प्लीज. ये सब हम पर्सनल बातें नहीं करेंगे बिल्कुल, कि कहाँ पे किसने किसको कैसे देखा, स्पेशली मुझको कैसे देखा, प्लीज. और फिर सलमान को भी देखा है. ओ हाँ, इससे बात कर लो. तो ज्यादा करके एक ही में दो चीज हो जाती है. अंडरवेयर पहन के लिए नहाते हैं कि वो अंडरवेयर भी धुल जाती है, तो उसको सेपरेट भी धोना नहीं पड़ता है, और जैसे कि धूप में आते हैं तो अंडरवेयर सूख भी जाती है. तो एक ही अंडरवेयर को चेंज करना नहीं पड़ता, महीनों महीनों चला सकते. नहीं, 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 हाँ, हाँ? सीरियसली. यूजली लोग जो अंडरवेयर नहीं पहन के नहाते हैं उसको फिर उल्टा पहनते. कहाँ जा रहा है ये सवाल का जवाब? ये हाइजीनिक है, अंडरवेयर पहन के ना हो. पानी बचाओ. अनुमान लगा ले शाहरुख, अनुमान लगा ले, क्योंकि ये कहीं और जा रही है. ना ना, ना? सही सही. तो अभी जब मैं लास्ट नारा था, ना नारा था, हाँ, तो जोधपुर में बाहर ही नारा था, तो एक कोई थे साथ में. वो ऐसा है, मैं बताता हूँ. तो अपने जो भाई हैं उनको अंदर नहाने की आदत नहीं है. जब भी कोई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे नज़ारे अच्छे हैं, या क्या अपना ही रूम है, रूम के पीछे थोड़ा बगीचा है, खलियान है, तो इनको ऐसा दिल में आया कि यार मैं चुपचाप से अपने कोने में, अच्छी दीवार विवार थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर ये नहाए. और तो एक इनको वहाँ से जो काम कर रहे थे वहाँ पे, वो आए और उन्होंने उनको बोला कि भाई आप यहाँ खुले में क्यों नहा रहे हो? अरे यार वो अच्छा नहीं लगता यार, अब इतनी दूर आए हैं, आबो हवा अच्छी है, यहाँ पे नेचर है, तो मैं यहाँ खुले में नहा रहा हूँ, और ये दीवार है ना सामने तो कोई देख नहीं रहा. तो उसने कहा वो CCTV है ना जो सामने, उससे आपको सब देख रहा है. जेल में नहा रहा था मैं, तो एक आदमी आता वहाँ पे, बोलता कि भाई आप यहाँ पे नहा रहे हो? तो हाँ यार वो अंदर, वो बाहर अच्छा धूप धूप है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे कोई है भी तो नहीं? इसे यहाँ पे कोई नहीं है लेकिन वो CCTV है. चल रहा है कि? हाँ चल रहा है. तो आपके पास 15 सेकंड. तो रानी मुखर्जी ने लगाया 50% पर, और शाहरुख मानते हैं कि 75%. ये बड़ा अच्छा है. People. 68% people.
देखो ये मेरी थिंकिंग आज मुझे समझ में आई है कि 60% लोग क्यों अंडरवेयर में नहाते हैं। हमारा देश इतना शर्मीला है, हमारे पुरुष इतने शर्मील हैं कि वो दूसरों से तो शर्मा जाते हैं लेकिन अपने आप से भी शर्माते हैं। मैं सलमान, मैं झूठी, मैं तो इतना शर्मिंदा रहता हूँ, मैं तो पूरे सूट में नहाता हूँ तो। कि मैं पूरे ताई वाई लगा के नहाता हूँ। आप भी घर बैठे जो अनुमान लगा रहे हैं, आप में से 5 अनुमानधारी की तस्वीरें वहां पर टंगी होंगी। सलमान, जब से रानी यहाँ पर आई उसने काफी कोशिश की है कि तेरी शादी हो जाए, तो मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ रानी का इशारा कहाँ पे। तो मैं ऐसी ऐप लेकर आया जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां फ्रॉम भटिंडा, इसमें से कोई ना कोई लड़की तो ऐसी मिलेगी जो तुझे शायद पसंद आ जाए। Oh my God.